हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं इरफान मलिक और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये TVS अपाचे है 160 2V BS6 मेरे पास में, और ये मेरे पास खींच करके गाड़ी आई है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आप देख पा रहे होंगे कि ये BS6 गाड़ी है। गाड़ी को खींच के लाया था बंदा, मैंने थोड़ा इसका चैन कवर वगैरह खोला हुआ है क्योंकि गाड़ी में प्रॉब्लम ऐसी है कि गाड़ी में न्यूट्रल लाइट नहीं आ रही है। और इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, इनके अंदर GPS लगा हुआ होता है, GPS सिस्टम लगा हुआ होता है, इनके अंदर GPS सिस्टम लगा हुआ होता है। और गाड़ियों में न्यूट्रल स्विच होता था, जैसे इसमें भी पहले न्यूट्रल स्विच आता था, अब इसमें GPS सिस्टम लगा हुआ आता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है, या किस तरीके से इसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है इसके अंदर। और आप लोग ध्यान रखना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी गाड़ी ना ही सेल्फ से स्टार्ट होगी, ना ही धक्के से स्टार्ट होगी, क्योंकि क्लच दबाकर भी किसी भी तरीके से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसका सीधा संकेत इश्यू को जाता है और इश्यू आगे संकेत पहुंचाता है कि आपको हर जगह करंट पहुंचाना है, लेकिन करंट नहीं पहुंच पाएगा जब तक ये GPS काम नहीं करेगा। GPS देने का कंपनी का मतलब केवल यही था। इसमें एक सॉकेट और लगा हुआ है, आप लोग पूछते हो कि किस चीज़ का सॉकेट है, तो इसमें कंपनी अपना GPS वाला सिस्टम लगाकर चेक कर सकती है कि गाड़ी को आपने किस किस कंडीशन में चलाया है। एक तो OBD कनेक्टर होता है ये वाला, जो OBD लगता है, और दूसरा ये हमारा इसमें GPS का सॉकेट लगता है, वो कंपनी के पास टूल होता है GPS वाला चेक करने के लिए। वायरिंग से भी पता लगा सकती है कंपनी, अगर खाली कंपनी के पास वायरिंग भेज दी जाए, उसके अंदर सारे सेंसर और रिले लगे हुए हो, तो उससे भी खाली पता लगा लेगी कंपनी के किस कंडीशन में आपने गाड़ी चला लिया। तो चलो मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो को। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें न्यूट्रल लाइट नहीं आ रही है। पहले की तरह का मामला नहीं है कि न्यूट्रल स्विच जो होता था उससे लाइट आ जाती थी, या न्यूट्रल स्विच बदल दिया हमने, कहीं से वायर टूट गई। अब इसके जो न्यूट्रल स्विच की जगह लगा हुआ है, उसका नाम है GPS, और उसके अंदर तीन वायर होती है। अब तीनों वायर किस तरीके से वर्क करती है और आपको चेक किस तरीके से करना है, वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये मैं इसका अगर सेल्फ लूँगा, किसी भी कंडीशन में सेल्फ लूँगा इसका, तो आपका सेल्फ नहीं लगेगा, बाकी हॉर्न वगैरह सब बच जाएगा, क्लच दबा के भी सेल्फ नहीं लगेगा। मेन वजह होती है कि हमारा न्यूट्रल आना चाहिए, और जिस समय न्यूट्रल, जब तक न्यूट्रल नहीं आएगा, न्यूट्रल अगर टिमटिमाएगा भी, हिलेगा भी, यानी सॉकेट लूज होगा, तब भी हमारी गाड़ी झटके लेती रहेगी। न्यूट्रल का बहुत बड़ा महत्व है अपाची BS6 के अंदर। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ कि इसमें इतना बड़ा तो फॉल्ट नहीं था, फॉल्ट तो इसमें छोटा ही था, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत बड़ा फॉल्ट है ये। इसका सिर्फ एक वायर लूज था, यहाँ से ये वायर बाहर को निकला हुआ है, या तो किसी ने खींचा है इसको या खींच गया होगा। तो ये मैं अंदर लगा लूँगा तो इसकी न्यूट्रल लाइट वगैरह सब आ जाएगी, देखते हो आ भी चुकी होगी मेरे ख्याल से, आप देख सकते हो कि आ चुकी है, और ये सेल्फ से स्टार्ट भी हमारी हो जाएगी। लेकिन मेन चीज़ क्या है दोस्तों, मेन चीज़ है मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको इसको चेक किस तरीके से करना है, यानी आपको किस तरीके से पता लगेगा कि गाड़ी के अंदर ये सही है या ख़राब है, या वायरिंग कटी हुई है कहीं से। वायरिंग का तो मैं आपसे बता दूं, तीनों वायर जो है हमारी इश्यू में जा रही है, इश्यू में आप क्वांटिटीज़ की चेक कर सकते हो, जहां हमारे मल्टीमीटर में बजर बोलता है, वहां पर मल्टीमीटर को सेट करके आप वहाँ पर क्वांटिटीज़ की चेक कर सकते हो, कहीं बीच में से वायर टूटा हुआ तो नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, जो हमारा ये वाला सॉकेट आ रहा है, यानी जो GPS का सॉकेट हमारा इंजन के अंदर से आ रहा है, अब इसमें आप कैसे चेक करोगे कि हमारा सही है ख़राब है, इसी चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें अपनी चाबी को ऑन करना है, और जो ब्लू और ग्रीन वाली वायर है इसके अंदर, जो हमारी वायरिंग होने से सॉकेट आ रहा है, मल्टीमीटर को सेट करें अपने 20 नंबर पर, जहाँ हम बैटरी को चेक करते हैं। ब्लू और ग्रीन वायर में हमें 5 वोल्ट का करंट चेक करना है। ये मैंने इसमें, आप देख सकते हो, ऑल पिन लगाई हुई है अपने मल्टीमीटर के वायर के अंदर, ब्लू और ग्रीन में
5 वोल्ट का करंट चेक करना है। तो पाँच वोल्ट हमारा आ रहा है इसके अंदर, आप देख सकते हो। 5 से थोड़ा ऊपर हो जाए, 6 तक पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम निकाल लेंगे और अपने जीपीएस का सॉकेट लगा लेंगे। ये जीपीएस का सॉकेट निकला हुआ है, इस कंडीशन में हमें 5 वोल्ट चाहिए, और चाहे लगे हुए में भी आप चेक कर सकते हो, 5 ही वोल्ट आएगा उसमें, ब्लू और ग्रीन में। अब हमें किस तरीके से चेक करना है दोस्तों, पिंक और वायलेट, पिंक कलर की जो वायर है हमारी, उसमें हमें रेड कलर की वायर अपने मल्टीमीटर की लगानी है। ये मैं लगा चुका हूँ, या तो आप इसी के अर्थ में लगा ले, या तो आप इसी के अर्थ में लगा ले जो दूसरे वाला, ये हमारा ब्लैक ब्लैक ऑरेंज जो वायर है, ये हमारी अर्थ की है इसकी, या तो आप इसी में लगा ले, या आप अर्थ बॉडी पे भी दे सकते हो। तो इसमें हमारा फर्स्ट गियर में नहीं, न्यूट्रल में इतना दिखाना चाहिए 1.1 या 1.0.15 वोल्ट दिखाना चाहिए इसके अंदर। अब उसके बाद हमारा फर्स्ट गियर में, ये हमारा फर्स्ट गियर लग चुका है, अब इसको दिखाना चाहिए फर्स्ट वाले गियर में हमारा 0.7, ये 6.9 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा फर्स्ट गियर लगा हुआ है, दूसरे गियर में हम चेक करते हैं। दूसरा गियर में लगा चुका हूँ, दूसरे गियर में हमारा जो रेजिस्टेंस आना चाहिए 1.6, और इसके अंदर आ रहा है 1.55, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद प्लस में लिखा हुआ है 0.15 वोल्ट होना चाहिए। इस मतलब 1.6 से लेके 15 तक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमारा आता है थर्ड गियर। थर्ड गियर में हमारा आना चाहिए इसका 2.4 प्लस 0.2 वोल्ट, इसमें 1 आ रहा है, 2.4 और उसके बाद यानी 41 आ रहा है इसमें, आपको दिख पा रहा होगा। अब हमारा जो है चौथे गियर की बात करते हैं, चौथे गियर में हमारा आना चाहिए 3.2 प्लस 0.2 वोल्ट, इसमें भी दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक आ रहा है हमारा। अब हमारा आना चाहिए फिफ्थ गियर में, हम चेक करेंगे इसको। ये हमारा फिफ्थ गियर में लग चुकी है गाड़ी, और मैं ये अर्थ पे लगाता हूँ इसको। तो ये अब हमारा आना चाहिए दोस्तों 4.2 प्लस 0.2 वोल्ट। तो ये जब भी कट मारता है ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने जीपीएस को चेक कर सकते हो दोस्तों। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है, और मैं एक बारी आपको जीपीएस को खोलकर भी दिखा देता हूँ कि यह होता किस तरीके का है। शायद अभी तक आफ्टर मैकेनिक किसी ने ये खोला नहीं होगा, तो मैं इसको आपको अभी, इसके जो 8 mm के बोल्ट होते हैं, मैं उनको आपको खोल के दिखाता हूँ कि होता कैसा है। तो ये होता है हमारा दोस्तों जीपीएस, जिसको जीपीएस बोलती है कंपनी, ये होता है वो जीपीएस जो हमारा न्यूट्रल का भी काम करता है। अब आप देख चुके होंगे इसको कि हाँ ये हमारा किस तरीके का वर्क करता है। इसमें जो घुंडी यहाँ पे दी हुई है, ये हमारे पैटर्न के साथ घूमती रहती है, गियर वाले पैटर्न के साथ ये घूमती रहती है। तो तभी हमारा रेजिस्टेंस गियर में चेंज होता रहता है कि दूसरे गियर में उतना आया, तीसरे गियर में उतना आया, इस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्त।